कसाब गांव के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार युवक हुआ जख्मी, आला सदर अस्पताल में इलाज जारी, उदवंत नगर थाना क्षेत्र का मामला। संदेश पुलिस ने बडीहा गांव से पूर्व शराब केस के मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गिरफ्तार व्यक्ति अर्जुन सिंह का पुत्र मनयोगी सिंह और दूसरा आरोपी शिवजी सिंह का पुत्र अखिलेश सिंह बताया जा रहा है। पशुओं में खुराक रोग टीकाकरण अभियान के तहत गढ़हनी के 8 पंचायत स्थित 5084 पशुओं को किया गया टीकाकृत, गढ़हनी थाना क्षेत्र का मामला। आर्मी बहाली को लेकर युवाओं ने किया सरैया बलुआ मार्ग घंटू जाम, थाना प्रभारी के अमल पर हटा जाम। सड़क जाम कर रहे युवाओं ने कहा, सरकार हम युवाओं के प्रतिभा एवं रोजगार के प्रति जागरूक नहीं, कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। एसडीएम कार्यालय के पीछे शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जगदीशपुर थाना क्षेत्र का मामला, किसानों में मची हाहाकार, दो वक्त की छिन जाएगी किसानों की रोटी। होपतपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर अधेड़ की पिटाई, जख्मी अधेड़ का आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। कोइलवर थाना क्षेत्र का मामला, आवेदन के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सहार प्रखंड में बार बार बिजली गुल होने से सहार प्रखंड के ग्रामीणों में बड़ी परेशानी, गांव के लोगों ने कहा ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र का ये हाल, बिजली नहीं रहने से बच्चों के पढ़ाई में आ रही समस्या, इस गर्मी में डुलाने पड़ रहे हैं हाथों से पंखे। कोइलवर थाने की पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के खूंखार अपराधी को किया गिरफ्तार, पचरुखिया कला गांव के योगेंद्र राय के पुत्र राजू राय था। अवैध बालू उत्खनन करने वाले हथियारबंद बदमाशों ने दो घाट संचालकों को गोली मारकर की थी हत्या। संदेश थाना परिसर में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति का हुआ बैठक, प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष दीपक कुमार झा और छोटा दरोगा अरविंद कुमार की उपस्थिति थी। सरैया बाजार में लगा महाजाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार एवं जाम को खुलवाने मौके पर पहुंची कृष्णनगर थाना पुलिस, पब्लिक घंटों रही हलकान, गर्मी करता रहा बेहाल। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए, और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।